नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम भारत की जलवायु पढ़ा रहे थे, आज भी हमारा वही टॉपिक रहेगा, भारत की जलवायु। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जलवायु क्या होती है, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु। मौसम क्या होता है, कुछ सप्ताह या कुछ समय के लिए जो मौसम की स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम। मौसम संबंधी जो जानकारी है वो 1875 से शिमला में निर्धारित किया गया था, यानी कि मौसम की जो जानकारी है वो 1875 से शिमला से जानकारी मिलती थी, लेकिन यानी इसका मुख्यालय कहाँ था, शिमला में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक चला था, अब उसका मुख्यालय पुणे कर दिया गया, ठीक है, अब वहाँ से ही ये मौसम संबंधी जानकारी मिलती रहती है। अब उसका मुख्यालय कहाँ है, पुणे में। तो पहले कहाँ था, शिमला में 1875 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, तब से इसका मुख्यालय पुणे में लिया गया। जो भारत की जो स्थिति है, भारत में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है उसे मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं वो भारत में नहीं आने देते, यानी कि रोक लेता है। एक तो दो कारण मौसम से, एक हिंद महासागर हमारा, ठीक है, हिंद महासागर और भूमध्य रेखा, इसकी समीपता के कारण यानी कि हमारी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। एक इधर तो है अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, और कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा भी जाती है। ये तो महाद्वीपीय स्थिति होती है और ये यानी कि सम जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। सम जलवायु क्यों पाई जाती है, क्योंकि इधर भी प्रायद्वीपीय भारत है ना, इधर तो मतलब कि कहने का प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग। यानी कि इधर भी सागर जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, और इधर क्या है, स्थल है, तो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भाग। इसलिए ये जो क्षेत्र है ये कैसी जलवायु, सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब क्या होता है, न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सम जलवायु। छोटी छोटी बातें थी, अरब सागर की बात आएगी, बंगाल की खाड़ी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, अभी इतना ही नहीं, हम पहले पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा टॉपिक जब पूरा हो जाएगा अब हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, मौसम यानी कि भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन, ताकि हम क्वेश्चन बोले और आप आंसर दे दो, ठीक है, तब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, टॉपिक कंसेप्ट हो जाता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, नंबर एक अक्षांश, लिख लियो, नंबर एक अक्षांश, जल एवं स्थल का वितरण, जल
एम सथल का वितरण, यह बहुत ही अहमियत चीज रखते हैं। समुद्र स्थल, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावाच, अब तो लिखाई समझ में आ रही है ना, चक्रवात, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जेट धाराएं एक और है, अले लिंदो, हाँ ऊपर कर देते हैं, अल्लिनो, अल्लिनो, ठीक है। ये समझने के लिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, ये इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। बस ज़्यादा इसमें अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखा समांतर होती है, इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है, इनके बीच की दूरी, ठीक है। अक्षांश रेखा के बारे में मैंने पढ़ाने के लिए इतना कहा, अभी इंडिया लिखे, इंडिया को मैप लिखेंगे, उसके बारे में उससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सुन, उत्तर और दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। अक्षांश से विस्तार पूछे तो 8 डिग्री से 4 और 37 डिग्री से 6 मिनट, ठीक है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री से 4, 37 डिग्री से 6। और पूरी देशांतर पूछे तो 67 डिग्री से 7 और 97 डिग्री से 25, 97 डिग्री से 25 डिग्री पूरी देशांतर है। ये हमारा पूरी देशांतर है, ये अक्षांश विस्तार है। संपूर्ण अक्षांश विस्तार कितना होता है? 6.4 डिग्री। भारत का संपूर्ण
अक्षांशीय विस्तार 6.4 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 3214, पूर्व से पश्चिम की 2933, अक्षांश से विस्तार कितना है 8 डिग्री से 4, 37 डिग्री से 6, और संपूर्ण अक्षांश से विस्तार कितना है 6.4 डिग्री। ठीक है, पूरी देशांतर कितना है 68 डिग्री से 7, 97 डिग्री से 25। ये थोड़ी मेन मेन बातें मैंने बताया है, अब हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में, मैंने थोड़ी बता दिया था। तो भारत का अक्षांश विस्तार लगभग कितना डिग्री है, भारत का अक्षांश विस्तार अक्षांश में लिखो, हेडिंग बनाओ अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री अभी। ठीक है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है 30। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है 30 डिग्री है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अक्षांश विस्तार कितना है लगभग 30 डिग्री है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए भारत में वार्षिक तथा दैनिक तापांतर पाया जाता है। यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए भारत में दैनिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर पाया जाता है, दिन रात का तापमान पाया जाता है ना, दैनिक तापमान पाया जाता है। दैनिक तापांतर में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में समझ में आएगा कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है 30 डिग्री। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा क्या है, अक्षांश रेखा है ना। ठीक है, इसलिए भारत में दैनिक तापमांतर पाया जाता है, और दैनिक तापमांतर के कारण क्या होता है, मौसम की स्थिति अलग होती है। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में ये बातें हैं। अब अगला हेडिंग है जल एवं स्थल का पॉइंट, अगला हेडिंग बढ़ाओ, जल एवं स्थल। जलम सथल लिखो इस, भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से जल से घिरा है, बता देंगे हम, तीन ओर जल से घिरा है ना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर जल। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, नीचे वाला जो स्थान है, दक्षिण भाग तीन ओर जल से घिरा हुआ है, इसमें लिखो जलम स्थल में, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, जिससे ताप प्रवणता तथा दाब प्रवणता ताप प्रवणता और दाब प्रवणता में भिन्नता होने से पवनों की दिशा में परिवर्तन होती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन होती है। कहने का मतलब है, अरब सागर से हवा चली इधर, उष्णकटिबंधीय, तो यहां क्या बने, टेम्परेचर हाई बन रहा है ना, तो यहां क्या बनेगा, लो प्रेशर, और इधर हम इतना वो नहीं मिलता तो हाई प्रेशर। ठीक है,
तो निम्न दाब और उच्च दाब की प्रवणता होती रहती है, ठीक है। सथल एवं जल में तो लिख लिया पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। अब अगला पॉइंट है समुद्र तल से दूरी। नंबर 3, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल को किस में मापते हैं? मिलीबार में। 1 मिलीबार में किस यानी कितने कितने बराबर होता है? 1013, ठीक है। और 1013 से नीचे मिलीबार क्या होता है? कौन सा दाब बनेगा? निम्न दाब। और वो अधिक हो तो उच्च दाब, ठीक है। ये घुमाए घुमाए के क्वेश्चन हम पूछेंगे दोबारा रिपीट करके। तो समुद्र तल से दूरी दक्षिण भारत में समुद्र दक्षिण भारत लिखो भाई समुद्र तल से दूरी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत समुद्र से या दक्षिण भारत में समुद्र से घिरा होने के कारण दक्षिण भारत में समुद्र से घिरा होने के कारण समुद्र से घिरा होने के कारण समकारी प्रभाव पाया जाता है। समकारी प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। यानी कि दक्षिण भारत में समुद्र से घिरा होने के कारण समकारी प्रभाव पाया जाता है, जबकि समुद्र से दूरी जबकि समुद्र से दूर जबकि समुद्र से दूर उत्तरी भारत में जलवायु विषमताएं पाई जाती है। जलवायु विषमताएं पाई जाती है जिसे महाद्वीप प्रभाव कहते हैं। यहां समकारी प्रभाव क्यों पाया जाता है भाई? ये कर्क रेखा से उत्तरी वाले भाग यहां तो क्या है? महाद्वीपीय भाग, ठीक है। ये समकारी प्रभाव के पाया जाता है कि इधर भी जल है, इधर भी जल, इधर भी तीनों तरफ जल से गिरा है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये कैसे है? समकारी प्रभाव न, ठीक है। यानी कि यहां सम जलवायु पाई जाती है और उत्तर वाला जो हिस्सा है वो महाद्वीपीय स्थिति पाई जाती है उसमें, ठीक है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो समुद्र तल से दूरी क्या मतलब यही है। अगला पॉइंट लिखो समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई पर जाने से तापमान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो ऊंचाई पर जाने से तापमान घटता है, समुद्र तल से ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई पर जाने इसमें हेड लिखो ऊंचाई पर जाने से तापमान घटता है जिससे जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आता है, जिससे जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आता है। कैसे? कि आगरा तथा दार्जिलिंग लिखो आगरा तथा दार्जिलिंग उदाहरण के लिए आगरा तथा दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन जलवायु दशाएं भिन्न भिन्न होती है। एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन जलवायु दशाएं भिन्न 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 होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि वे समुद्र तल से दूर से, ठीक है, ऊंचाई पे से, इसलिए एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन समुद्र तल से दूर होने के कारण उसमें जलवायु दशाएं अलग पाई जाती है। नंबर 5, उच्चावाच। उच्चावाच लिखो सवास। उच्चावाच भारत में उच्चावाच लिखो। उच्चावाच भारत में उच्चावाच तापमान उच्चावास तापमान दाब पवनों की दिशा दाब पवनों की दिशा वर्षा की मात्रा तथा वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है।
अब देखो समझो इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? मान ये नीचे वाला है हिस्सा है, यहाँ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, या हिंद महासागर है। ये सूर्य का प्रकाश, ये इधर जल है, ठीक है, अभी इधर जल है तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पहाड़ी पर, ठीक है, इधर ये पहाड़ी है, है? हाँ पड़ रहा है। देखो ये समझो अरब सागर है, ये पश्चिमी घाट है ना, पर्वत श्रेणियां ही नहीं, पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ से कि वो क्या क्या जैसे कि हवाई चली, ठीक है, और मान ली ये इससे समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ये पर्वत है, पर्वत का सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है ना, तो क्या कर रहा है, यहाँ से जल लेगा, संवेद धाराएं उत्पन्न होगी, ठीक है, वर्षा इधर ही, और इधर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, संवेद धारा, ठीक है, राजस्थान के, राजस्थान से होते हुए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो धर्मशाला है ना, धर्मशाला वहाँ जाके वर्षा कर देती है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि एक तरफ तो जल से और एक तरफ स्थल से गिरा होने के कारण, जहाँ जल होगा वहाँ से क्या होगा, संवेद धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, वर्षा का रूप धारण कर लेगी, तो वर्षा इधर इस साइड में हो जाएगी ज़्यादा वर्षा, क्योंकि इस साइड में तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, सूखा इलाका है, ठीक है, तो ये मतलब है, तो इधर ये धाराएं चलेगी, यानी हवाई हवाई कहाँ चलेगी, राजस्थान से, राजस्थान से होते हुए फिर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में वर्षा कर देगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होगी। तो उच्च आवाज तापमान दाब का यही मतलब था। अब अगर अगला पॉइंट लिखो, चक्रवात, चक्रवात, तो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं भाई? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात एक शीतोष्ण चक्रवात, लिखो भाई तू लिख के ना रिया, हाँ, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। चक्रवात मैंने पहले बताया था, देखो हर चीज़ है ना काम आ रही है, ठीक है ना, चक्रवात को बारे में हमने पहले बताया दिया था। तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात नीचे लिखो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं, ठीक है, और उष्ण कटिबंध चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, हाँ, बंगाल की खाड़ी तथा ऊपर लिख देंगे चलो अरब सागर, यानी कि दो स्थानें पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो स्थान पर ये चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होंगे और उष्ण कटिबंध चक्रवात कहाँ होंगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में,
ये बातें समझ में आएगी तभी हमारे जलवायु समझ में आएगा। आगे लिखो, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत लिखो इसमें, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी ऋतु में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। रबी की फसल के लिए लिए लाभदायक। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रबी भारत में कितनी प्रकार की ऋतु होती है? तीन प्रकार की। फसलों के बारे में बात करें तो रबी की फसल, ठीक है, एक खरीफ की और एक जायद की। ये रबी की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, हैं, राई। खरीफ की फसल ये कब बोई जाती है? ना सॉरी भाई, रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। बहुत गलत हो गया था, सॉरी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और जायद की, जैसे कि खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये हाँ ककड़ी, ये खीरा, तो ये इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ये रबी आएगा था ना, इसलिए रबी की फसल लाद जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखवा दिया था, समझा दिया, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, हो जाती है ध्यान से। तो अगला लिखो, जेठ धारा है, हाँ जेठ धारा है, अरे मतना जेठ लिख दियो हम कहते थे तो यही लिखवाए थे, जेठ धारा है। एग्जाम में देखोगा जेठ तो अच्छा जी, इसके बारे में लिखो फिर समझ में आ जाएगा। वायुमंडल में, वायुमंडल में क्षोभ सीमा के समीप, हाँ क्षोभ सीमा के समीप अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली वायु राशियाँ, वायुमंडल में क्षोभ सीमा के समीप अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली वायु राशियाँ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जेड धारा। यानी कि इसकी गति कितनी होती है भाई? 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर प्रति हावर की गति से। जेड धारा बहुत तेज गति से चलती है, ठीक है। तो वायुमंडल में क्षोभ सीमा के इसमें अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली हवाई क्या क्या कहलाती है? जेड धारा। और कितनी गति है इसकी? 250 से 300 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, गति से कर। यानी कि ये हमारे मान ले कि ये पृथ्वी हमारी, ये क्षोभ मंडल है, ये संताप मंडल, संताप मंडल, ये मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अच्छा, थोड़ी जानकारी के लिए, वैसे इसमें तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए, ये क्षोभ मंडल आएगा ना, इसलिए मैं इसको समझाता हूँ। यानी कि वायुमंडल में बहुत तेज गति से हवा चलती है, 250 से 300 किलोमीटर क्षोभ सीमा के समीप होती है, जेड धाराएं चलती है, ठीक है, तो वो इस क्षेत्र में चलेगी, नहीं कि संताप मंडल में। जितनी भी आंधी है, तूफान है, कोहरा है, वर्षा है, ठीक है, जितनी मौसम से संबंधित जो घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होगी? यानी कि 14 किलोमीटर पृथ्वी से 14 किलोमीटर की दूरी पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, क्षोभ मंडल ध्रुव पर
और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है सौर मंडल की। ठीक है, तो इसमें जेड धारे के बारे में लिख लिया आपने। जेड धारे दो प्रकार की होती है, जेड धारे समझ गए ना क्या होती है? छो सीमा में चलने वाली जो उसको हम क्या कहते हैं, जेड धारे, और इसकी गति कितनी होती है, 250 से 300 किलोमीटर। अच्छा जी, जेड धारे दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की होती है, पछवा जेड धाराई और पूरी जेड धाराई। पछवा जेड धाराई और पूर्वी जेड धाराई। लिख लियो, ऐसी बातें हैं ना, कोचिंग सेंटर पर चले जाओगे नहीं मिलेगी, क्योंकि वे लूसेंट रट के रह आई थी और वहाँ की बार बता दी थी, लूसेंट रट रखिए, ये कंसेप्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन, और जब हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ना, तब आप पढ़ोगे या चीज़ तो कोई छोटी कौन है गुरु जी ने, देख लेना, अपना आप ही तुम अपना पढ़ते जाओगे, अपना आप याद हो जाएगा, इधर याद करा देंगे हम। तो जेड धारे दो प्रकार की होती है, पछवा जेड धारे और पूर्वी जेड धारे। पछवा जेड धारे के बारे में लिखो, पश्चिम से पूर्व की ओर पौने, पश्चिम से पूर्व की ओर पौने धरातल पर चलती है। पछवा पवन क्यों कहते हैं, तो पश्चिम से चलती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पवने धरातल पर चलती है, धरातल पर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या मावट। पश्चिमी विक्षोभ या मावट से वर्षा होने वाली, ये कब होती है मावट, है सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है, नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है ना, वो क्या होती है, मावट है। ठीक है, नहीं कि जून जुलाई में मत कर दियो, ठीक है, गर्मियों की तो बात मत करियो, अगर मावट का क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में दे दे महीने, तो सर्दी वाला याद रखियो, नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मावट है। ठीक है, इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, सर्दी का समय था, बोले ये जो अब वर्षा हो रही है ये कौन सी हो रही है, क्योंकि मेरे को तो वो पीछे हटता हूँ मानसून इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के कारण, मैं बता ही दिया। तो पश्चिमी विक्षोभ या मावट के कारण पछवा पवन, पछवा का मतलब क्या होता है, पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो पवने हैं उसको हम क्या कहते हैं, पछवा पवन। ठीक है, और ये कब होती है, पश्चिमी विक्षोभ की कैसे होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको हम पछवा पवन कहते हैं। ठीक है, मावट भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित करती है, पूर्वी जेड धारे, अब पूर्वी जेड धारे के बारे में लिखो, पूर्वी जेड धारे ये दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करती है, दक्षिण पश्चिम प्रभावित करती है। तो भारत में जो ज्यादा वर्षा होती है, ऑप्शन है, जो भारत में ज्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण नहीं होती, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, वो तो लौटने का समय होता है, लौटते हुए मानसून, और लौटते हुए मानसून के कारण भारत में कहाँ वर्षा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, लौटते हुए मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है।
ठीक है। तमिलनाडु में कब होती है, गर्मियों में सर्दियों में? सर्दियों में तमिलनाडु में लौटते हैं मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जब वर्षा होती है तो अरब सागर से हवाएं चलती है ना, तो सबसे पहले कहाँ वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से? केरल में, केरल में वर्षा होगी। ठीक है, यानी कि जुलाई में स्टार्ट हो जाता है ये। अब ये जो वर्षा वो क्या बोलते हैं उसको, चौमासा, इसी के कारण होते हैं। नहीं, अब चौमासा आएगा ना अगले महीने में, यानी आड़ू भाषा में बोल देते हैं हम। ठीक है, तो समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून, आगे बढ़ता हुआ मानसून और पीछे लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, सर्दियों में जनवरी में वर्षा होती है। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कहाँ वर्षा होगी? केरल में। भारत में सबसे ज्यादा मानसून ना, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, या विश्व की बात करें तो मेघालय की, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, खासी पहाड़ियों में वर्षा होती है। अच्छा, मेघालय, मेघालय के कहाँ? मेघालय के केरल, मेघालय में, मेघालय के चेरापुंजी में सबसे ज्यादा। चेरापुंजी याद रखियो, चेरापुंजी। अब चेरापुंजी वो अपने हट गया, वो दूसरा नाम है यार, हैं? हाँ, ये ध्यान रखना भाई। क्या नाम बताया? मोसीराम। ना उसका नाम चेंज कर दिया, मोसीराम तो है चेरा, मेघालय के चेरापुंजी में मोसीराम है, लेकिन उसका नाम कुछ चेंज कर दिया। वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? वो मेरा दिन स्लिप हो रहा है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो समझ गए ना? अच्छा जी, अब लिखो एल निनो। एल निनो का प्रभाव वर्ष 10 वर्ष में 2-3 बार दिखाई देते हैं भाई। एल निनो, अरे सही चल रही है क्या घड़ी? अच्छा, यानी कि 10 वर्ष में 2-3 बार दिखाई देते हैं। एल निनो कैसा शब्द है ये? एल निनो एक स्पेनिश शब्द है, ठीक है, स्पेनिश शब्द, बाले के हिसाब से ये लिया गया, ठीक है। एल निनो एक अनिश्चित महासागरीय धारा है, यानी कि कैसे? गर्म महासागरीय धारा है। एल निनो कैसी धारा है? गर्म महासागरीय धाराएं होती है। एल निनो गर्म महासागरीय धाराएं होती है, तो मौसम की जलवायु के बारे में आज के लिए इतना ही। एक कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ। तोकाते एक तूफान आया था हमारा, ठीक है ना? हाँ, तोकाते, तो एक मेरा फ्रेंड है वो बोला कि एक तूफान आ रहा है तोकाते। मैंने बोला तू तोड़ा के क्यों बोल रहा है? अरे साफ बोल क्योंकि मैंने वो पहली बार वो वर्ड से सुना, मुझे तू तोड़ा के क्यों बोल रहा है, तो थोड़ा ढंग से बोल क्या तो तक बोल रहा है तो चक्रवात है ये, अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, यानी कि जाना तो था ये इधर म्यांमार की तरफ और ये आएगा बाहर की तरफ। पहली बार ऐसा हुआ, अब भारत कैसे झेल जाए? लेकिन वो राजस्थान में पहाड़ियाँ हैं ज़्यादातर, तो उन हवाओं को वो रोक लिया, इसलिए ज़्यादा खतरा नहीं हुआ। तो इसके बारे में सुनोगे या लिखोगे? हैं, सुन लो। यानी कि मई 2021 में चक्रवात तोकाते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई है, लैंडफॉल, तथा केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए चक्रवात ने वहां तबाही मचाई है। तोकाते उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है ये? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसका नाम
म्यांमार द्वारा रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसका नाम किसके द्वारा रखा गया? म्यांमार द्वारा। ये चार पांच देश हैं, कोई भी तूफान आता है तो भी उसका नाम वे रख देते हैं, भाई ये देश अब की बार ये रखेगा, ये देश अब की बार इसका नाम ये रखेगा। तो म्यांमार ने इसका नाम क्या रखा? तोकाते। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ है गेक्को, बर्मीज भाषा है कोई, और इसका अर्थ क्या है? गेक्को, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। कभी सुना होगा आपने, यानी कि एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है ये। यह अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान है, कमजोर होकर अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। भारत मौसम विज्ञान चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतर निरंतर सतही हवा की गति के आधार पर वर्गीकृत करता है। यानी कि इसकी गति कितनी थी पता है? तो नब्बे से 119 किलोमीटर घंटे की गति थी। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 120 किलोमीटर घंटे के रूप में। अप्रैल से जून के अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा चक्रवात है ये। कौन सा लगातार है? चौथा चक्रवात है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। एक इसके बारे में और बता देते हैं। तो भाई भारत के जो 48 मुख्य न्यायाधीश है वो लिख लिया आपने सभी ने? है नहीं लिखे तो लिख लो, एनवी रमना। हाँ, एनवी रमना, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, ठीक है, से 237 तक। अनुच्छेद 124 में इसका गठन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे, अभी घोषणा की है, अगस्त तो नहीं आया ना, 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे जस्टिस रमना। ठीक है, ओके, अब करते हैं।